हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज मैं कुछ इस प्रकार की फोटो एडिटिंग करने वाला हूँ। आपके सामने ये फोटो है, डुअल फोटो एडिटिंग जिसको बोलते हैं, इसी प्रकार की सेम फोटो एडिटिंग होने वाली है। तो बिना बकवास करते हुए आगे चलते हैं। पहले मैं अपना बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूँगा, ये मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं इसको शेयर करूँगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। जो भी हम फोटो क्रॉप करके ऐड करते हैं वो पिक्सआर्ट में ही करता हूँ मैं, जो भी करता हूँ। तो मैंने ये ओपन कर लिया पिक्सआर्ट के अंदर। ये हमारा फोटो पिक्सआर्ट के अंदर शेयर हो गया है। तो सबसे पहले हम चलेंगे टूल्स वाले ऑप्शन में। टूल्स वाले ऑप्शन में आपको पता ही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसाइज पे क्लिक करेंगे। रिसाइज पे हम अपना साइज सेलेक्ट करेंगे इसमें से। सबसे पहले आपको, हमको साइज पता नहीं है, इसका साइज पता करने के लिए अपने हिसाब से 5000 डाल लीजिएगा आप। अब रिसाइज पता चल जाएगा 1937 डाल लीजिएगा। साइज पता चल गया है 1937 साइज कर दिया। ओके, यहाँ से फिर चलते हैं दोबारा से टूल्स वाले ऑप्शन में। टूल्स वाले में ऑप्शन में जाकर के एडजस्ट पे क्लिक करेंगे। एडजस्ट में जाकर के क्लियरिटी को थोड़ी सी बढ़ाएंगे हम, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ाएंगे, 10 कर लेते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ से अब करेंगे इसको सही। अब आगे चलते हैं, अपना फ़ोटो को ऐड करेंगे। जो भी मेरे फ़ोटो हैं उनको पहले मैंने क्रॉप किया है, उसके बाद इसमें फ़ोटो मैं ऐड करूँगा। तो मैं अपने फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ इसमें, जो भी फ़ोटो मेरे, एक तो ये है, एक ये है, ठीक है, ये मैंने दोनों फ़ोटो ऐड कर लिए। अब इनको मैं अच्छे से एडजस्ट करूँगा, ठीक है, इन फोटो को अच्छे से एडजस्ट करना है, ठीक है। और इस वाले को भी मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी देखिएगा, ये फ़ोटो मेरा आगे को आ रहा है और वो वाला पीछे हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, वो करना है आपको। देखिएगा, इरेज ऑप्शन दिख रहा होगा, इरेज के बगल में डबल टैप डुप्लीकेट यहाँ से लेयर करते हैं, वहीं से मूव डाउन पे क्लिक कर देगा, ये पीछे हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जूम कर लीजिए थोड़ी सी, ठीक है, इतना कर लेते हैं। अब इसको हम करेंगे रिमूव, ठीक है, रिमूव कर देंगे इसको। ये हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे इसको सही। अब अपना आगे वाला फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे। अब आगे वाले को फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से ये फ़ोटो एडजस्ट करना है हमको, ठीक है। और यहाँ से पहले इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, थोड़ी सी ये आपको ये दिख रहा होगा बाल में शैडो जो है, इनको हल्की सी क्रॉप कर लेंगे हम इसको, यानी कि हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये भी हटा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम उसको हटा देंगे। क्रॉपिंग में थोड़ी बहुत तो गलती चल जाती है, ठीक है, हो जाती है गलती कभी कभार। हाइडनेस को हम फुल करेंगे, साइज को छोटा सा, थोड़ा छोटा करेंगे। यहाँ से अब इसको इरेज कर लेंगे, जो वाइट वाइट दिख रहा है उसको। ये मैंने अच्छे से इरेज कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, जो पिछला वाला फ़ोटो है उसमें भी कुछ वाइट वाइट से दिख रहे होंगे आपको, तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ अब सही, ठीक है, ये अच्छे से फ़ोटो एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी कुछ टेक्स्ट लिखना है हमको, और कुछ PNG ऐड करनी है हमको। पहले मैं इसमें टेक्स्ट एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, टेक्स्ट को चेंज करने के लिए अब आप जा सकते हैं, देखिए ए फ्रंट दिख रहा होगा वहाँ पे, ऐड के ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मैंने रिसेंट में देखिए, मेरे ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर चुके हैं, मैं उसमें से एक सेलेक्ट करूँगा, राजौरी है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से एडजस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। अभी देखिए, राजौरिया जो है टेक्स्ट वो ऊपर लिखा आ रहा है, हम इसको पीछे करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है पहले की तरह इरेज वाले ऑप्शन पर डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट वाले पे आपको साइड में दिख रहा होगा मूव डाउन, मूव डाउन ऑप्शन पे क्लिक कर देगा 2-3 बार, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट को अच्छे से एडजस्ट करना होगा हमको, ऐसे तो एडजस्ट हो नहीं पाएगा ये।
यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, इसको मैंने टेक्स्ट को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अपने पूरे फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, जो भी हमारे में दिक्कत हुई है उनको सही अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। ये हमने अपने फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, पहले हिल डुल गए थे तो हमने अब ये फ़ोटो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर चुके हैं। तो हम सिंपली अब क्या करना है, हमको अब कुछ PNG वगैरह हैं उनको ऐड करना होगा हमको। तो PNG में ऐड कर लेता हूँ जल्दी से मैं, डाउनलोड्स में PNG दे रही। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं PNG को ऐड करता हूँ। ये मैंने PNG अच्छे से इनको भी अच्छे से मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ से अब मैं करूँगा सिंपली सही। ठीक है, आगे चलते हैं। एक PNG और एक एडजस्ट करनी है मेरे को, जो कि मैंने आपको बताया था जो बालों पे वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, उस पर एक PNG एक ब्लैक PNG ऐड करता हूँ मैं उसमें, ताकि जो वाइट शेडो है उसकी अलग हट जाए। तो मैं ये PNG को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी डुप्लीकेट करता हूँ एक और लेयर। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो उनको इरेज कर देता हूँ मैं, जो कि ज़्यादा शैडो ब्लैक हो गई हैं उनको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से वो चीज़ वाइट वाइट जो दिख रही थी वो हट चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं करूँगा आगे सही। काफ़ी अच्छा हमारा फ़ोटो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और रहेगी, टूल्स वाले ऑप्शन में चलते हैं, एडजस्ट पे क्लिक करेंगे। एडजस्ट पे जाने के बाद हम चलते हैं क्लियरिटी में, क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो सैचुरेशन है सैचुरेशन को हम थोड़ी सी कम करेंगे, और हाईलाइट्स बढ़ा के देखते हैं, हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम। शैडो को भी थोड़ा सा हल्का सा कम करेंगे इसमें, और कॉन्टेक्स्ट और ब्राइटनेस को भी देख लेते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ से करते हैं अब सही। अब चलना होगा हमको, इस फोटो को पहले सेव करेंगे, सेव करने के बाद चलेंगे LR के अंदर। LR में क्योंकि कलर को अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं इसलिए, तो यहाँ से मैंने इमेज को सही किया सेव। तो अब हम चलते हैं गैलरी में, गैलरी में पिक्सार्ट को ऑप्शन में चलते हैं, पिक्सार्ट। ये मेरा फ़ोटो है पिक्सार्ट में, जो मैंने अभी बनाया था वही वाला है। ठीक है, तो मैं इसको शेयर करता हूँ LR एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से ये शेयर हो रहा है, ये मैंने शेयर कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर फोटो हमारा ऐड हो चुका है। तो यहाँ से हम अपने फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे और अच्छे से इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोटो है, और देखिए इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, ऑटो पे क्लिक कर देंगे हम, अपने आप सारी कलर्स को अच्छे से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब अपने हिसाब से देखना होगा, ब्राइटनेस ज़्यादा है, सैचुरेशन ज़्यादा, क्या ज़्यादा है। ठीक है, उसके हिसाब से देखना है। सैचुरेशन हमको थोड़ी सी, कुछ नहीं, सही है, ज़्यादा कम बढ़ती करके देख लेंगे हम, थोड़ी सी कम कर लेते हैं, -4 रख लेते हैं। अब इसमें चलते हैं मिक्स वाले टूल पर क्लिक करेंगे हम, जो रेड कलर है उस पर उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को हल्की सी कम करेंगे, और नारंगी कलर है जो ब्राइट चेहरे और ब्राइटनेस लाने के लिए, तो लुमिनस को बढ़ानी पड़ेगी, सैचुरेशन हल्की सी कम। ठीक है, और ह्यू को हल्की सी बढ़ा देंगे इसमें। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, और ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर आप छेड़ेंगे, आप ब्लू कलर हमको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी थोड़ी सी लाइटिंग और कर देंगे, लाइटिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम इसमें। ठीक है, और ब्लू वाले कलर में जो कुछ खास नहीं लग रहा है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसकी खाली लाइट्स बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो
बैंगनी कलर को छोड़ देंगे, अब करेंगे गुलाबी वाले क्लिक। तो यहाँ से गुलाबी वाले की ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे हम पूरी, लुमिनस यानी कि। अब चलेंगे इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे, इफ़ेक्ट में थोड़ी सी क्लियरिटी को हम बढ़ाएंगे। क्लियरिटी यहाँ से 10 बहुत है, ठीक है। और टेक्सचर को हम अपने हिसाब से देख लेंगे, टेक्सचर को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 5 कर लेते हैं इसका आधा, ठीक है। और लिग्नेट को हम थोड़ा सा डाल लेते हैं, हल्की सी इसमें भी डाल देते, 3-4 बहुत है, ठीक है। ओके, यहाँ से सो टॉपिक्स पे चलेंगे, टॉपिक्स पे दोनों को अलाउ कर देंगे। तो यहाँ से ये फाइनली हमारा फोटो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। सो थैंक यू गाइस।